अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े वाला, बहुत ही स्पेशल है, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मामा के लिए साद अज़ीम ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और जो बनाई हैं बहुत प्यार से बनाई हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। और एंड पे पिक्स भी डाली हैं, और जो बिहाइंड द सीन कैमरे के पीछे जो थोड़े बहुत गपल्ले होते हैं वो भी डाले हैं, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। चलें ब्लॉग का शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहता था कि मामा के लिए कुछ अच्छा बनाऊं। हर रोज़ मामा हमारे लिए काम करती हैं और हमारे लिए वीडियोस बनाती हैं, जो आप लोग भी देखते हैं। हमारे लिए खाना रोज़ मामा बनाती हैं और हमारी उसकी वीडियो भी बनाती हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मामा को कुछ खुद बना के दूँ। और मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, लेकिन अब इतनी भी ज़्यादा नहीं आती कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लूँ, लेकिन आज मैं ट्राई करूँगा मैं कुछ अच्छा बनाऊँ। और आज बारिश भी हुई है, तो मैं सोचा था आज पकौड़े बना लूँ। मैंने साथ फ्राइज भी तैयार करके रखी हुई हैं, अभी हम उनको बनाएंगे। ये देखिए, मैंने अभी पकौड़ों का पेस्ट तैयार कर लिया है, और अब हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं। इतनी मुझे अच्छी कुकिंग नहीं आती, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आप पकौड़े या फ्राइज बनाएं तो तेल आप डीप रखें, ज़्यादा तेल डालें। और जो पकौड़े होते हैं उनका जो शेप होती है, साइज़ होता है, वो ज़्यादा छोटा भी ना रखें तो ज़्यादा बड़ा भी ना रखें, मीडियम रखें, ताकि वो सही टाइम में बन सके। ये हमने एक मीडियम साइज़ स्पून ले लिया है, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू कर देंगे। अगर आप इसकी फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो रमज़ान वाले हमारे वीडियोस हैं, वो चेकआउट कर लें। वो सारा मतलब कि उसकी बनाता मैं ही था, लेकिन एक दो मैंने वीडियो बना दी, उसका पेस्ट वगैरह मैंने ही बनाया था, तो उसका आप देखें अगर आप देखना चाहते हैं। एक एक करके हम सारे पकौड़े डाल देंगे और बनाते रहेंगे। लॉकडाउन में आजकल हम पहले तो कुछ दिल करता था तो बाहर से ले आते थे, या बाहर जाने को दिल नहीं करता था तो घर पे मंगवा लेते थे। इतना ठंड है आजकल, हम घर पे मंगवा भी नहीं सकते कि क्या पता कहाँ पे कोई भी चीज़ डल जाए, तो हम आजकल घर में ही बनाते हैं। मैं काफ़ी हद तक, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं वो मैं खुद ही बना लेता हूँ अगर मुझे फास्ट फूड खाने को मन करता है। पकौड़े जब तक अपना क्लासिक डार्क ब्राउन कलर ना ले लें तब तक आपने उनको पकाते रहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पकौड़े हमारे बन चुके हैं। अभी मैं एक हाथ से, असल में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैंने हिलाना है भी है कैमरा, और एक हाथ से मैं पका रहा हूँ। थोड़ा बहुत कैमरा हिल जाए तो आर्ग्यू मत करो। पकौड़े तो हमारे बन गए,
बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। ये एक करके हम निकाल लेंगे और मेक श्योर करें आपका जो भी बर्तन है जिसमें आप निकाल रहे हैं उसमें टिश्यू या ये किचन टॉवल जैसी कोई चीज़ रखें ताकि उनका जितना भी ऑयल है वो निकल जाए, उन्हीं में सोख ना हो जाए, क्योंकि ऑयल वाले जो पकौड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। एक वो असल उनका कहते हैं ना कि टेस्ट जो होता है एक असल टेस्ट वो ख़त्म हो जाता है। ये पहला पूड़ हमारा बन चुका है, अब हम दूसरा बन चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो अब ये हम फ्राइज़ बनाएंगे अपने। जब तक फ्राइज़ बन जाती हैं हम एक ये चीज़ का स्लाइस है ये काट लेते हैं और हम फ्राइज़ पे ये डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है, चीज़ फ्राइज़ बन जाती हैं। चिप्स हमारी बन चुकी हैं, अब मैं इनको उतार लेता हूँ। इसपे चीज डाल लेंगे। मेक श्योर कि आपने ये पतली पतली करनी है ताकि इनको मतलब कि जब ये मेल्ट हो जाए ना तो अच्छे से हो और वो बहुत चीज़ी टेक्सचर आ जाता है। देखो मेरे तीन हाथ, ये एक रह गया। अब हम इसको ओवन कराएंगे। हम कर लेंगे 40 सेकेंड्स ओवन। ओह माय गॉड, बस 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 कर बस। तेरी बीवी बड़ी खुश रहेगी बेटा। आज एक स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज मैं चाहता था कि हर रोज़ मामा हमारे लिए चीज़ें बनाती हैं लेकिन मैं चाहता था कुछ अलग हो। बहुत सुंदर लग रहा है, इतना फ्लो में जा रहा था मैं। अजीम तुम इतना डरे हुए क्यों? आज मैं मामा के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगा हूँ। रोज़ मामा हमारे लिए खाने की चीज़ें बनाती हैं लेकिन मैं चाहता था कि आज मैं कुछ मामा को बना के दूँ। हाय बहुत बुरा लग रहा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट जो है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और ये उस दिन ये सारी चीज़ें सादा अज़ीम ने बनाई जब बारिश हो रही थी तो उसका दिल कर रहा था कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया और उस इनकी ये वाली वीडियो भी बनी हुई है तो पिछली वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही मज़े वाले अज़ीम का बहुत अच्छा डांस था उसमें। आता कोई नहीं है लेकिन कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने उसकी तारीफ़ की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की साद अज़ीम की, तो थैंक यू सो मच। आप हमारी फैमिली हो, आप तारीफ़ करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।